TVS की स्टार सिटी बाइक है और इस बाइक में हम ये DID ब्रांड का एक चेन स्पॉकेट सेट लगाने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम इस स्पॉकेट का अनबॉक्सिंग करते हैं। DID का चेन स्पॉकेट कैसा होता है जहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ गाइस, जितने भी होंडा की कंपनी की बाइक्स आती हैं होंडा में, तो सभी में यही DID का ही लगा हुआ आता है। तो वैसे मार्केट में अगर आप लेंगे तो ज़्यादातर आपको डायमंड या फिर रोलन और बाकी ओरिजिनल मिलेगा, DID का कम मिलेगा आपको। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा होता है। वैसे तो मेरे पास अक्सर रोलन का ही होता है और रोलन भी कम नहीं है, फर्स्ट नंबर पे रोलन ही आता है गाइस। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सेल है वो रोलन का है, डायमंड का है। देखिए अगर इसके MRP की बात किया जाए तो 731 रुपीज़ यानी कि 731 रुपये हैं। 21/7/2022 का ये प्रोडक्ट है। कंपनी डैडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और DID के नाम से अक्सर हम लोग चेन स्पॉकेट जानते हैं। वैसे दोस्तों अगर इसकी लिखावट अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई बाहरी जर्मनी आइटम है या फिर चाइनीज आइटम है, तो मैं आपको बता दूँ ये एक जापानी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि इंडिया से सप्लाई करते हैं। और यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय डैडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये है राजस्थान का कंपनी, ठीक है, राजस्थान का कंपनी है। लेकिन ज़्यादातर हमने जो देखा है ये होंडा की बाइक में लग के आती है, तो जापान का प्रोडक्ट है होंडा, तो इसलिए वो इसी को चुनते हैं। तो हो सकता है चाइनीज भाषा में जो है ये जापानी भाषा में जो है ये लिखा हुआ हो ब्लेड। ये फ्रंट इस पॉकेट है, तो क्वालिटी बहुत जानदार है। जानदार है, वजनदार है और मैं देख रहा हूँ कि इसके लोहे का जो क्वालिटी है बहुत मजबूत है, ये पूरा ठोस आइटम है ये। और ये रियर स्पॉकेट हुआ, 22 टीथ का पीछे है और 13 टीथ का आगे है। और ये इसका चैन हो गया, चैन इसका पतला होता है, इसका जो कड़ी होता है ये वाला पार्ट ये थोड़ा पतला होता है। यही चीज़ अगर आप रोलन लेते हैं, डायमंड लेते हैं, तो इसका जो कड़ी है वो मोटा होगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें अंतर आपको क्या मिलेगा, थोड़ा क्या होता है कि ये चैन जब ज़्यादा लूज हो जाएगा तो थोड़ा सा साइड प्ले हो जाती है और ज़्यादा आवाज़ करता है, चैन कवर से टकराता है। और जो मोटा चैन होता है तो वो लूज होने के बाद भी जल्दी चैन कवर से नहीं टकराता, क्योंकि इस तरीके से प्ले उसमें ज़्यादा नहीं होती है। और वैसे इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये एक ऑयल रिंग रबड़ वाला स्पॉकेट है, तो ऐसे स्पॉकेट ही कंपनी लगा कर देते हैं होंडा शाइन बाइक में। तो ये एक तरफ से ठीक है, क्योंकि ये ऑयल रिंग रबड़ वाला जो चैन होता है गाइस, ये जल्दी से लूज भी नहीं पड़ता। और हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि इसमें कोई भी जला हुआ इंजन ऑयल का हमें मतलब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तरफ से देखा जाए तो ऑयल रिंग रबड़ वाले में हमें चैन स्प्रे का ही इस्तेमाल करना चाहिए, उससे चैन की लाइफ बढ़ती है, जल्दी से चैन आवाज़ नहीं करती। और पतले इस पॉकेट पतले चैन होने की वजह से मैं एक चीज़ और भी फायदे वाली बता दूं कि इससे पिकअप और माइलेज बढ़िया मिलेगी आपको, पिकअप इससे ज़्यादा मिलता है। गाड़ी की जो चाल है काफ़ी हल्का होता है, क्योंकि चैन के जरिए से पीछे का जो चक्का है वो बिल्कुल फ्री घूमता है। तो हमें ऐसे इस पॉकेट को लगाना चाहिए। बाकी ये ज़रूरी नहीं कि आपको यही चुनना है, जो मिले आपको डायमंड मिले, रोलन मिले, DID मिले या फिर ओरिजिनल मिले, तीनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं। तो चलिए इसे हम फिटिंग करते हैं। वैसे क्वालिटी मैंने आपको दिखाया बहुत अच्छा है, अगर आपके एरिया में अगर ये मिलता है तो आप लोग इसे ज़रूर लगवाएं, ठीक है। तो आप मतलब ये ना समझें कि बस हमें यही लगवाना है,
बस इतना है, मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। अगर आपके क्षेत्र में मिलता है कोई मैकेनिक सजेस्ट करता है कि भाई लगा लो, अगर कहता है तो आप इसे लगवा सकते हैं, बढ़िया चीज़ है ये। ठीक है, सब ऊपर ले मोबाइल खड़ा कर। हाँ ठीक है।